Hello everyone, today we are going to start another topic of class 1st English grammar, that is place verbs. Chapter 9, place verbs. Children, place verbs are also called prepositions. English grammar mein place verbs ko preposition bhi kaha jata hai. Prepositions are used before the noun to indicate द पोजिशन ऑफ नाउन. प्लेस वर्ड का यूज किया जाता है नाउन से पहले नाउन की पोजिशन को बताने के लिए. नाउ लुक एट द डॉग एंड द बॉक्स. चिल्ड्रन, यहाँ बॉक्स एंड डॉग का पिक्चर गिवन है और इसकी हेल्प से आपको बताना है वेयर इज द डॉग. नाउ क्वेश्चन इज वेयर इज द डॉग. डॉग कहाँ है. इन फर्स्ट पिक्चर द डॉग इज इन द बॉक्स. डॉग बॉक्स में है, राइट. इन सेकेंड पिक्चर द डॉग इज ऑन द बॉक्स. डॉग बॉक्स के ऊपर है. इन थर्ड पिक्चर द डॉग इज अंडर द बॉक्स. वेयर इज द डॉग. अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे. इन, ऑन, अंडर, दीज वर्ड्स आर प्रपोजिशंस और प्लेस वर्ड्स. इन, ऑन, अंडर, ये प्लेस वर्ड्स हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं. नाउन है डॉग और डॉग के लिए यूज किए गए वर्ड्स हैं इन, ऑन, अंडर, जो हमें बताते हैं डॉग कहाँ है. तो चिल्ड्रन, इन, ऑन, अंडर, ये हैं प्लेस वर्ड्स या प्रपोजिशंस. नाउ वेयर इज द डॉग. In first picture, dog is behind the box. Dog box के पीछे है, right? In next picture, where is the dog? Dog chair and box के बीच में है. Between the chair and the box, the dog is between the chair and the box. In last picture, where is the dog? The dog is in front of. In front of the box, box के सामने, box के आगे. Behind means पीछे, between means बीच में, in front of के सामने. Children, word behind, between, in front of place words हैं जो हमें noun के बारे में बताते हैं. ये words noun को indicate करते हैं और noun यहाँ है dog. राइट, तो डॉग कहाँ है ये बताने के लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं बिटवीन, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, और ये वर्ड्स हैं प्लेस वर्ड्स. नाउ से वेयर द चिक इज इन ईच पिक्चर. यहाँ आपको बताना है चिक कहाँ पर है. वेयर इज द चिक. पिक्चर गिवन है बास्केट एंड चिक. यहाँ आपको बताना है चिक कहाँ है. इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी In the basket, right? In second picture, where is the chick? On the basket. In third picture, under the basket. Basket ke niche. In next picture, behind the basket. Basket ke piche. Now, exercise questions. Look at the pictures and answer the questions. Children, yeh aapko pictures given hai. Iske saath ek हिंट गिवन है पिक्चर से नीचे, इसकी हेल्प से आपको आंसर देने हैं. यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम. नाउ क्वेश्चन इज वेयर इज द टीचर. यहाँ आपको बताना है टीचर कहाँ है. आंसर इज इन द क्लासरूम. टीचर क्लासरूम के अंदर है, राइट. नाउ सेकंड पिक्चर वेयर इज द फॉक्स. फॉक्स कहाँ है. अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे. तो यहाँ लिखा हुआ है द ट्री, इसके आगे आप यूज कीजिए अंडर और आंसर लिख दीजिए अंडर द ट्री. इन थर्ड पिक्चर वेयर इज द पिक्चर. ऑन द वॉल. पिक्चर कहाँ है. वॉल के ऊपर, ऑन द वॉल. इन फोर्थ पिक्चर वेयर आर बॉयज. बॉयज कहाँ है. इन द पार्क.
नंबर फाइव, वेयर आर द काइट्स, काइट्स कहाँ है चिल्ड्रन, इन द स्काई। नंबर सिक्स क्वेश्चन, वेयर आर द बुक्स, आंसर इज ऑन द टेबल। नंबर सेवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, वेयर आर द फ्लावर्स, आंसर इज इन द बस। क्वेश्चन नंबर एट, वेयर आर द काउज, गाय कहाँ है, फील्ड में, राइट, तो आंसर होगा आपका इन द फील्ड, फील्ड के अंदर। नाउ चिल्ड्रन, यहाँ आप क्वेश्चंस गिवन है और इसके साथ आपको आंसर्स लिखने हैं, और इन आंसर्स के साथ आपको यूज करना है इन, ऑन, अंडर, जो कि प्लेस वर्ड्स हैं, और ये हमें बताते हैं नाउन के बारे में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, लुक एट द पिक्चर, फिल द ब्लैंक्स विद, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। आपको यहाँ यूज करना है बिटवीन का या बिहाइंड का या इन फ्रंट ऑफ का, पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली। और पिक्चर के साथ इनके नेम गिवन है, फर्स्ट पिक्चर है मम का, मदर, नाम्या, मैक्स जो कि डॉग का नेम है, डैड एंड आरव। नाउ फिलअप कंप्लीट करते हैं, मैक्स इज डैश बिहाइंड डैड, तो मैक्स डैड के पीछे है, हमने यूज किया है बिहाइंड वर्ड। सेकंड में डैड इज डैश आरव, डैड कहाँ पर है, आरव के पीछे। नंबर थर्ड, डैड इज मैक्स, डैड मैक्स के आगे हैं, तो आप लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ मैक्स, क्लियर। नंबर फोर में नाम्या इज मम, नाम्या मम से आगे है, तो यहाँ यूज होगा इन फ्रंट ऑफ मम। नंबर फाइव, मैक्स इज नाम्या एंड डैड, मैक्स कहाँ है चिल्ड्रन, नाम्या एंड डैड के बीच में, तो यहाँ यूज होगा वर्ड बिटवीन। नंबर सिक्स में नाम्या इज मम एंड मैक्स, नाम्या मम और मैक्स के बीच में, नाम्या इज बिटवीन मम एंड मैक्स, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द करेक्ट नेम फॉर ईच ब्लैंक इज बिहाइंड मैक्स, मैक्स के पीछे कौन है, नाम्या, राइट, इज बिहाइंड नाम्या, नाम्या के पीछे मम, इन इज इन फ्रंट ऑफ डैड, डैड के आगे आरव, इज इन फ्रंट ऑफ नाम्या, नाम्या के आगे मैक्स, राइट, इज बिटवीन मैक्स एंड आरव, मैक्स एंड आरव के बीच में है डैड, जो हमने आंसर्स लिखे हैं कंप्लीट करने के लिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पिक्चर्स की हेल्प से आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द की, चिल्ड्रन वेयर इज द की, आंसर इज इन द लॉक, की कहाँ पर है, चाबी है लॉक के अंदर, इन द लॉक। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द कैप, ऑन द हेड, राइट। नंबर थ्री, वेयर इज द बॉक्स, ऑन द टेबल। नंबर फोर, वेयर इज द लायन, लायन कहाँ है चिल्ड्रन, इन द केज। नंबर फाइव, वेयर इज द डॉल, इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर आर द गर्ल्स, गर्ल्स कहाँ हैं, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। सेवन, वेयर इज द स्नेक, स्नेक कहाँ बैठा है, अंडर द कॉट, कॉट के नीचे। नंबर एट, वेयर इज द मंकी, ऑन द वॉल, मंकी इज ऑन द वॉल, कंप्लीट। नाउ नंबर फाइव, फिल द ब्लैंक्स विद एट, इन, ऑन, अंडर। यहाँ हम एट का यूज करेंगे, कोई पर्टिकुलर प्लेस जब गिवन होता है तो हम यूज करते हैं एट का। नंबर फर्स्ट इज द बेंच इज द ट्री, चिल्ड्रन बेंच है ट्री के नीचे, तो यहाँ हमने यूज किया बट अंडर, अंडर द ट्री। नंबर सेकंड, द बर्ड्स आर द नेस्ट, तो बर्ड्स तो नेस्ट के अंदर होंगे ना, तो हमने लिखा इन।
माई मदर वाज एट होम, मेरी मदर घर पर है, एट होम। द बोट इज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे है बोट, राइट। द काउज आर इन द फील्ड, काउज कहाँ है, फील्ड के अंदर। सिक्स, यस्टरडे आई वाज एट स्कूल। सेवन, द बॉयज आर इन द पार्क, अब आप यहाँ पर ऑन द पार्क तो नहीं लिखेंगे, राइट। देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ, अब रूफ की बात हो रही चिल्ड्रन तो हम अंडर तो नहीं लिख सकते, ऑन ही लिखेंगे, राइट, ऑन द रूफ। क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट प्लेस वर्ड्स और प्रपोजिशंस दैट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, प्लेस वर्ड्स विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू।